हेलो डियर फ्रेंड्स, तो चलो देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी के पेपर नंबर 2 के लिए हम पढ़ रहे हैं वेक्टर सीरीज। वेक्टर सीरीज में आज हम देखेंगे ईस्ट प्लाज्मिड वेक्टर। इसके दो क्लास हमने कंप्लीट कर चुके हैं, एक क्लास हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, एक क्लास मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक हमारा ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड वेक्टर है वो कंप्लीट हो चुका है और एक ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर दो कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी दोनों लेक्चर क्लास मैं प्लेलिस्ट में लगा दे रहा हूं, आप वहां से देख सकते हैं। यदि ये मेरा वीडियो मेरे YouTube चैनल पे आप देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। यदि मेरे Facebook पेज पे देख रहे हैं तो लाइक एंड Facebook पेज को फॉलो करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा, जब अधिक से स्टूडेंट्स होते हैं, आपका कमेंट्स लगातार मेरे पास आता है एंड आपके नंबर्स, आपके सब्सक्राइबर की रेट जो होती है वो कहीं ना कहीं हमको मोटिवेटेड करती है कि हम लगातार आपके लिए काम करते रहें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके पास पहुंचाते रहें। और एक सूचना बता दूं, संडे 7 बजे लाइव, रोज हर संडे 7 बजे शाम को लाइव हमारे क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट जरूर करिए। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे मेरे चैनल्स, मेरे सब्जेक्ट, मेरे टॉपिक्स से रिलेटेड, आपका पूरा कंप्लीट किया जाएगा। और एक सूचना आपको बता दूं, यदि मेरे ऑफिशियल एप्लीकेशंस को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो विजिट करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके साथ हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशंस के लिए। VNR क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर करिए, मोबाइल नंबर, अपने ओरिजिनल नाम एंड अपने ईमेल एड्रेस के साथ। तो मिलते हैं वहां 24 आवर्स आपके स्टडी के लिए। ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक को देख लेते हैं। तो आज हमारे पास 3 टॉपिक हैं, तीनों टॉपिक के लिए मैंने 3 छोटे छोटे अपने फिगर कंप्लीट कर दिया है। बहुत मेहनत लगा इस फिगर के लिए, मिल ही नहीं रहा था। ठीक, चलो कोशिश करके आपको फिगर पूरा कंप्लीट कर दे रहा हूं। एक तो पहला फिगर हमको पढ़ना है, नंबर फर्स्ट पॉइंट्स में, फिगर नंबर फर्स्ट में हमारे पास आ जाता है कि ईस्ट रिप्लिकेटिव प्लाज्मिड। तो फिगर नंबर फर्स्ट हम यहां से कंप्लीट करेंगे एंड फिगर नंबर 2 हमारे पास है ईस्ट सेंट्रोमेरिक प्लाज्मिड वेक्टर, दूसरा हमारे पास यहां से आ जाएगा एंड तीसरा है इंट्रीगेटिव। क्या है इंट्रीगेटिव हमारे पास? तो इंट्रीगेटिव प्लाज्मिड वेक्टर्स, ये नंबर 3 वाला फिगर। ठीक, इसको हम क्लियर कर लेंगे। चलते हैं, हम देखते हैं पहली बात यहां से ईस्ट एपी क्या करते हैं, एपिसोमल हमारा हो गया तो ईस्ट रिप्लिकेटिव वेक्टर्स। ठीक, तो जो हमारा ईस्ट रिप्लिकेटिव वेक्टर होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम स्टूडेंट नाम देते हैं YRP। ठीक, क्या देते हैं? YRP वेक्टर। जो हमारे पास YRP वेक्टर है, आज की क्लास में सबसे पहले उसी को डील किया जाएगा। ठीक, YPR वेक्टर्स, ये ढेर सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में ये बात करेंगे कि ये स्पेशली ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी प्लाज्मिड की सहायता लेकर किसी ईस्ट सेल्स के, जैसे सैक्रोमाइसिटिस सेरावेसी जो हमारी की स्पीसीज है, प्लाज्मिड स्पेशली किसी बैक्टीरियल सेल्स का एंड ईस्ट में हम किसको चुनेंगे, सैक्रोमाइसिटिस सेरावेसी को चुनते हैं। अब वो दोनों के DNA के सीक्वेंस को मैच कराने के बाद एक सटल वेक्टर तैयार होता है, उसी सटल वेक्टर को हम नाम देते हैं ईस्ट रिप्लिकेटिव प्लाज्मिड वेक्टर। ओके, इतना क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं, जब इतना क्लियर करने के बाद अगले टॉपिक में बढ़ते हैं तो अगला मेरे पास आता है स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स में किसको देखेंगे, इस पॉइंट्स को हमको देखना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, पहले स्क्रीनशॉट कर लो, एक स्क्रीनशॉट करो, नहीं तो पॉइंट देखते देखते काफी उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो पहले एक आप स्क्रीनशॉट कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। ठीक, चलो देखो, अब हमको पढ़ना क्या है इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा होगा, स्ट्रक्चर्स में क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर में कह रहा है कि एक ओरिजिन रिप्लिकेशन साइट्स होगा। क्या होगा? ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट्स होगा एंड हमारे पास 2 टाइप्स के यहाँ पे जीन्स होंगे। क्या होंगे? 2 टाइप्स के जीन्स होते हैं। ठीक, नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा एंड नंबर 2 हमारे पास दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई देगा। ठीक, इसको टेट्रासाइक्लिन, क्या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एम्पीसाइक्लिन। क्या? एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंस। 2 रेजिस्टेंस दिखाई देंगे, ये दोनों रेजिस्टेंस इस वेक्टर के लिए यूजुअल होते हैं किसी दूसरे एंटीजन्स के लिए, किसी दूसरे होस्ट बॉडी के अंदर। ठीक, और उसके बाद ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन यहां पाया जाएगा और ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन यहां पाया जा रहा है। जो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन
फर्स्ट होता है, जैसे इसको फर्स्ट कर लेंगे, ये होता है बैक्टीरियल सेल्स में, और दूसरा जो हमारे पास ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है वो होता है हमारे किसके लिए, किसी भी ईस्ट सेल के लिए। मतलब इसको ईस्ट सेल्स एंड बैक्टीरियल सेल्स दोनों में होस्टिंग कराकर हम क्लोनिंग करा सकते हैं। ओके, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक। और बात करते हैं यहां पे जीन्स होते हैं, ये जीन स्पेशली मार्कर के बेसिस पे काम करते हैं। क्या करते हैं? मार्कर के बेसिस पे काम करते हैं, ठीक। इनको हम स्पेशली क्या नाम देते हैं, इनको बोला जाता है ऑटोमोसली रिप्लिकेशन। ये सीक्वेंस होते हैं, क्या होते हैं, ठीक। पहले हम इनको देख लेते हैं इसके मॉड्यूल्स के बेसिस पे। स्ट्रक्चर सबका खत्म होता है मॉड्यूल में, नंबर फर्स्ट हेडिंग करिएगा मॉड्यूल। मॉड्यूल में ये देखा जाएगा स्टूडेंट कि वन टाइप सटल वेक्टर, मैंने पहले बता दिया है कि ये कैसा होते हैं, ये सटल वेक्टर्स होते हैं। सटल वेक्टर कैसे होते हैं? सटल वेक्टर किसी भी प्लाज्मिड वेक्टर्स के साथ दूसरे जब हमारे किसी डीएनए सीक्वेंस को मिलाकर जो वेक्टर तैयार किए जाते हैं उन्हें हम सटल वेक्टर के नाम से जानते हैं। अब एक चीज याद रखना कि ये जो पूरा पूरा वेक्टर है वो पीबीआर 322 जो होते हैं, क्या होते हैं हमारे पास पीबीआर 322 जो होता है, इसको ऐसे कर लो, 322 होता है, उसके जेनेटिक सीक्वेंस से तैयार किया गया। क्या किया गया है? उसके डीएनए सीक्वेंस से, उसके क्रोमोसोमल सीक्वेंस से तैयार किए जाने वाला ये सिंपल तरीके से एक वेक्टर है। अब इसमें ये चीज ध्यान देना है, इसमें स्पेशली एक जीन्स होंगे, ठीक। क्या जीन्स? इसमें जीन्स होंगे। जीन्स कौन होगा? ये जीन्स होता है। ये जीन करता क्या है? ये स्पेशली यहाँ पे रिप्लिकेशन साइट्स होते हैं। क्या होते हैं? ये रिप्लिकेशन साइट के साथ साथ ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन यहाँ पाया जाएगा। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट के साथ साथ ये ओरिजिन ऑफ जीन्स होते हैं। कैसे कहते हैं इसको? या रिप्लिकेशन सिक्वेंसिंग जीन, याद रखिएगा। ये क्या है? रिप्लिकेशन सिक्वेंसिंग जीन है। यही रिप्लिकेशन सिक्वेंसिंग जीन आगे चल के स्पेशली अलग अलग इस सेल में अपने आप को ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन के साथ मैच कराकर क्या करता है? आगे क्लोनिंग करने में काम करता है। यदि बात करते हैं इनके बेस पेयर की, ये जो जीन होते हैं, ध्यान देना, ये जो जीन होते हैं इनमें 11 बेस पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 11 बेस पेयर लगे होते हैं। काफी छोटा होता है। कितना होता है? काफी छोटा होता है ये 11 बेस पेयर। ध्यान देना, इनमें 11 बेस पेयर का छोटा सा सीक्वेंस होता है। कभी कभी ऐसा माना जाता है कि ये 11 से 100 बेस पेयर के हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 100 बेस पेयर। तो आप इसको 11 ना लिख के 100 बेस पेयर लिखना। 100 बेस पेयर के ये हमारे पास छोटा सा एक जीन्स होते हैं। इसी 100 बेस पेयर के अंदर माना जाता है कि ये जब सीक्वेंसिंग करते हैं यहाँ से कह सकते हो कि स्पेशली जब अपने आप को तोड़ देते हैं या अलग कर देते हैं, अलग करते समय रिप्लिकेशंस के समय ये छोटे से पार्ट्स को यहाँ पे कंसेक्शंस कहते हैं, उनको कंसेक्शन सीक्वेंस बनाते हैं। कितना बनाते हैं स्टूडेंट? यहाँ छोटा सा कंसेक्शन सीक्वेंस बनाते हैं जो 10 से 11 बेस पेयर का होता है। कितना होता है? 10 से 11 बेस पेयर का होता है। ये 10 से 11 जो बेस पेयर होते हैं, देखो उल्टा लिख गया इसको, बेस पेयर ऐसे लिखे, ठीक। 10 से 11 जो बेस पेयर होते हैं, यही 10 से 11 बेस पेयर आगे चल के किसी ना किसी ईस्ट सेल में क्या करते हैं? किसी ना किसी ईस्ट सेल में स्पेशली उसके और जो क्लोनिंग पॉइंट्स होते हैं वो क्लोनिंग पॉइंट्स को इंडिकेट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? क्लोनिंग पॉइंट्स को इंडिकेट करते हैं किसी भी होस्ट बॉडी के अंदर। इतना हो गया। अब देखो हमने क्या बताया, दो रेजिस्टेंस होंगे मॉड्यूल में, नंबर फर्स्ट लिखना, ये जीन्स होंगे। जीन्स के साथ क्या पाया जाएगा? जो जीन होगा वो स्पेशली 100 बेस पेयर के साथ आएगा, ठीक। उसके बाद हमने क्या बताया कि उसके बाद दो ओरिजिन साइट्स होंगे, एक ईस्ट के लिए होगा, दूसरा बैक्टीरिया के लिए होगा। और स्पेशली दो इसमें रेजिस्टेंस पाए जाएंगे, एक रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा यहाँ? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होगा और दूसरा यहाँ पे एमपी साइक्लिन रेजिस्टेंस होगा। दो रेजिस्टेंस इसके बॉडी में मिल जाएंगे। ये हो गया इसके मॉड्यूलिंग। मॉड्यूलिंग के अंतर्गत हम देखेंगे क्या कि यहाँ पे 5.8 किलो बेस पेयर, लगभग 5800 बेस पेयर के साथ मैच करता है। एंड इनमें इनका जो सिंपल नाम होता है, हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिए हैं, इस एग्जाम्पल में हमारे पास है ईस्ट रिप्लिकेटिव, जानना, ईस्ट रिप्लिकेटिव प्लाज्मिड 7 का हम एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहे हैं। अब ये चीज माना जाता है स्टूडेंट, ऐसा देखने के लिए मिलता है कि ये स्पेशली जो हमारे रिप्लिकेटिव हैं, ठीक,
अब रिप्लिकेटिव साइट्स में जो हमारा एपिसोमल होता है, हमने देखा था कि एपिसोमल 30 से, ध्यान देना, एपिसोमल 1 मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम में स्पेशली यहां से 10,000 कापी तैयार करता था। लेकिन ये जो हमारा ये वाला वेक्टर होता है वो उससे कम कापी तैयार करता है, लगभग ये 1 मिली माइक्रोग्राम में स्पेशली यहां से लगभग 7,000 या 6,000 कह सकते हो, 7,000 के आसपास ये कापी तैयार करता है, ये इसकी कापी रेट होती है। तो यहाँ से बात आपको क्लियर हो जाएगी कि हमारा जो एपिसोमल प्लाज्मिड वेक्टर था जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, वो कापी करने की उनमें ज़्यादा क्षमता होती है, बट इनमें कापी करने की थोड़ी सी क्षमता कम होती है, ठीक, ऐसा माना जाता है। ठीक, अब ये चीज़ ध्यान देना, इसके पहले वाले में कापी करने में काफ़ी कम देखा जाता था, मतलब सॉरी, इसके पहले वाले कापी करने की क्षमता ज़्यादा था, बट इनमें थोड़ा कापी करने की क्षमता क्या है। अब ये चीज़ ध्यान देना कि ये कापी अधिकतम बता रहा है, लेकिन इनकी जो मिनिमम रेट होती है 1 मिलीग्राम में, ये लगभग 100 हो सकती है। कितनी? ये 3 से 100 कापी नॉर्मली तैयार कर देते हैं। कितना? 3 से 100 कापी ये नॉर्मली तैयार कर देते हैं। कौन? हमारा यही ईस्ट रिप्लिकेटिव प्लाज्मिड वेक्टर। ओके, इतना क्लियर हो जाएगा। अब इसकी यूजेज की बात करें तो यूजेज में ये देखेंगे स्टूडेंट, जो इसका यूजिंग पावर है वो स्पेशली किसी भी बैक्टीरियल सेल्स एंड ईस्ट सेल में किसी भी डीएनए सीक्वेंस को क्लोनिंग के रूप में आगे ले जाता है किसी फॉरगेन डीएनए के साथ मैच करा के। मतलब हम किसी फॉरगेन डीएनए को इसमें एंट्री कराएंगे और एंट्री कराने के बाद ये क्या करेगा, उसकी फोटोकॉपी तैयार करेगा और ये फोटोकॉपी करके हम क्लोनिंग कराएंगे। और क्लोनिंग में सबसे ज्यादा यूजेज कहीं ना कहीं होता है तो ईस्ट वाले वेक्टर का होता है, जिसको हम ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड वेक्टर के रूप में कहते हैं। ठीक, ये हमारा पॉइंट्स क्लियर हुआ नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं नंबर टू के पास। नंबर टू हमारे पास क्या आता है? नंबर टू हमारे पास आता है ईस्ट सेंट्रोमेरिक प्लाज्मिड। तो आज के लिए नंबर टू हमारे पास आ जाएगा ईस्ट सेंट्रोमेरिक प्लाज्मिड वेक्टर। तो इसको जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट या कॉपी करना हो तो आप कॉपी कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले पॉइंट्स पे। फिर चलेंगे अगले पॉइंट्स की तरफ। अगला पॉइंट छोटे छोटे है, दोनों को जल्दी जल्दी नोट करते हैं। ठीक, अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे हमको ये वाला फिगर, अब ये वाला मेरा फिगर कंप्लीट हुआ। क्या हुआ? ये मेरा फिगर पूरा टोटली कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं पार्ट टू पे। पार्ट टू हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बात करें सेंट्रोमेरिक की, ये भी एक सटल वेक्टर है, वो भी काफी छोटे साइज के साथ आता है। क्या आता है? काफी छोटे साइज के साथ आता है, वो भी एक सटल वेक्टर है। आज एग्जांपल के बेसिस पे हम किसको लिए हैं? ईस्ट सेंट्रोमेरिक प्लाज्मिड 50 को हम लिए हैं। ठीक, ये हमारा एग्जांपल है। 7.8 किलो बेस पेयर के साथ आता है। क्या आता है? 7.8 किलो बेस पेयर के साथ आता है। ये भी एक सटल वेक्टर का मतलब होगा कि ये भी किसी ना किसी प्लाज्मिड के साथ, जो पीबीआर 322 है, पीबीआर 322 के साथ, ध्यान देना, जो हमारे पास, सॉरी ऐसे कर लो, पीबीआर 322 जो हमारे पास है, क्या लिख दिए भाई, पीबीआर 322, ठीक, पीबीआर 322 के साथ स्पेशली जो ईस्ट की सैक्रोमाइसिटिस सेरावेसी स्पीसीज है उसके साथ इनके डीएनए सीक्वेंस को मैच कराकर स्पेशली यहां पे ईस्ट सेंट्रोमेरिक प्लाज्मिड वेक्टर तैयार किया गया है, जिसका नाम है YCP50। ठीक, YCP50 में ये देखा जाता है स्टूडेंट, ये स्पेशली इनकी जो एक्टिविटी रेट होती है, ये नंबर ऑफ इच सेल, मतलब इच सेल में, क्योंकि ये ऐसे सेल्स होते हैं जो सामान्य अवस्था में या सिंपल स्टेज में कह सकते हो या नॉर्मल कंडीशंस में अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं। क्या करते हैं? रिप्लिकेट करते हैं, वो भी वन टाइम। कैसा करेगा? वन टाइम करेगा, वो भी सेंटर पॉइंट्स पे जाकर। इसे इसको सेंट्रोमेरिक की बात कर रहा है कि वन टाइम रिप्लिकेट करता है। और इसका ये सबसे बड़ी एक चीज ध्यान रहता है कि जब भी ये किसी भी दूसरे सेल्स में या फिर किसी डॉटर सेल्स में यदि रिप्लिकेशन एक सेल का हो रहा है, एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो हमारा माइटोसिस डिवीजन है वो कंप्लीट हो रहा है, तो माइटोसिस डिवीजन के अंतर्गत जो कंप्लीमेशन हो रहा है, जो डिवाइडिंग हो रही है, वहां पे इनके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, इन पूरे का पूरा जो सिक्वेंस हमारा होगा, ये पूरा सिक्वेंस अगले जो हमारे स्पीसीज, सॉरी डॉटर सेल्स होते हैं, डॉटर सेल्स में चले जाते हैं, कहीं ना कहीं वो सेंट्रोमेरिक, मतलब
जो हमारे सेंट्रोमियर्स होते हैं, सेंट्रोमियर्स के कंडीशंस जैसे बिहेव करते हैं, मतलब पूरा पूरा जो इनका नेचर्स होगा वो ठीक अगले जनरेशन में, जो हमारा अगला जनरेशन होगा, अगले जनरेशन के जो डॉटर सेल्स होंगे उनमें उनका पूरा मटेरियल एक ही बार डिवाइड होकर बढ़ जाता है, ठीक। लेकिन ऐसे बाकी सेल्स में उतना ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलता। अब एक चीज ध्यान देना है स्टूडेंट्स, जैसे हमारे क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं जस्ट लाइक वैसे ही हमारे ईस्ट सेंट्रोमियर, जो हमारा सेंट्रोमेरिक हमारा प्लाज्मिड है, वो भी वैसे ही डिवाइड होता है। अब एक चीज ध्यान देना, इनके अंदर, इनके बॉडी के अंदर छोटे छोटे माइक्रो, ध्यान देना, इनके अंदर छोटे छोटे माइक्रो, या फिर इनको स्पेशली खासकर इन्हीं की बात कर ले, इनको माइक्रो क्रोमोसोम वेक्टर भी कहा जाता है। क्या कहता है? माइक्रो क्रोमोसोम वेक्टर। सिंपल फॉर्म में लिखना होगा तो लिख लेना स्टूडेंट, इसको ईस्ट माइक्रोसोमल या माइक्रोसोम प्लाज्मिड वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर्स में ये देखेंगे स्टूडेंट, आपको दिख रहा है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे क्या है, हमारे क्या है, इंसिजर पॉइंट, मतलब एंडोन्यूक्लियोजेस है, जहां से किसी स्टेज पे हम FDNA, किसको FDNA यानी फार्गेन DNA की एंट्री करा सकते हैं, ठीक। ये एंट्री मतलब इंसिजर पॉइंट्स होंगे, यहां से काट करके हम DNA को लगा सकते हैं। अब ऐसे ध्यान देना है कि यहाँ पे स्पेशली 4 टाइप्स के जीन्स दिखाई देंगे, इनमें एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा, ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड 2 जीन्स दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों जी जीन्स होते हैं रिप्लिकेशन कराने में काम करते हैं। क्या करते हैं? ये रिप्लिकेशन, ध्यान देना, ये हमारा क्या करेगा, रिप्लिकेशन, ये रिप्लिकेशन के लिए काम करते हैं। कौन कौन? ये गया, ये गया, ये रिप्लिकेशन के लिए काम करेंगे, एंड ये रिप्लिकेशन साइट जैसा व्यवहार करते हैं। एंड दूसरा जो हमारे पास यहां से, ठीक, ध्यान देना, ये जो CAN4 है, CAN4 एक रेजिस्टेंस होता है, स्पेशली CAN4 रेजिस्टेंस इसको किसी भी एंटीबॉडीज की तरह काम करता है दूसरे सेल्स के अंतर्गत। क्या करता है? दूसरे सेल्स के अंतर्गत ये स्पेशली एंटीबॉडीज की तरह काम करता है। और ये दोनों क्या होते हैं? रिप्लिकेशन साइट्स होते हैं, या ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन के लिए DNA सिक्वेंस को तैयार करते हैं। एंड दूसरे फॉर्म में ये देखें, जो मेरे पास स्पेशली CAN है, क्या है, सेल्स डिवीजन के समय, जब इनका लगातार सेल्स डिवीजन होता है, सेल्स डिवीजन के समय जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के रिप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ध्यान देना, क्रोमोसोम्स के डिवीजन एंड रिप्लिकेशन के लिए हमारे पास CAN4 पाया जाता है, CAN4 का सिक्वेंसिंग दिखाया जाता है। आपको एक चीज याद रखूं, MSc के एग्जामिनेशन में, अगले साल MSc के एग्जाम देंगे मेरे, जनवरी से कोर्सेस आने चालू हो जाएंगे, जनवरी से हमारा 5 जनवरी से स्पेशली MSc एग्जामिनेशन के लिए हर वीक स्पेशली 2 सुपर क्लास दिए जाने की बात, शेड्यूल तैयार किया गया है। आपको जनवरी से यदि जो कोई भी बच्चा जूलॉजी में MSc के एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहता है तो केवल ₹500 से लेकर, ठीक, नोट्स एंड वीडियो लेक्चर हमारे स्पेशली एक पेपर्स के, खासकर एक पेपर की बात करें, मंथली 500, हम 3 महीने की बैच चलाएंगे जिसमें ₹1500 आपका फीस रखा जाएगा, और आपको काफ़ी कम रेट में केवल PDF एंड लेक्चर क्लासेस के केवल फीस देने हैं, वो भी काफ़ी मिनिमम रेट में। मैं वहाँ पे आपको कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज सारा पढ़ाऊँ, एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की मैं आपको पूरा पूरा प्रैक्टिस कराता रहूँ। यहां से बात करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है CAN4 कहां यूज होता है, तो आपको बताना होगा कि CAN4 एक रेजिस्टेंस के फॉर्म में यूज होता है, एंटीबायोटिक है, एंड दूसरे फॉर्म में ये कह सकते हो कि जब किसी भी ईस्ट सेंट्रोमेरिक प्लाज्मिड वेक्टर्स में जब उनका रिप्लिकेशन होता है, या कह सकते हो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स का डिवाइडिंग होता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं क्रोमोसोम्स के, तो उस समय CAN4 के सिक्वेंस काम करते हैं। एंड अगले पॉइंट्स में चलते हैं, इनके अंदर छोटा सा ईस्ट स्ट्रेन पाया जाता है जो मार्कर की तरह काम करता है। क्या करता है? मार्कर की तरह काम करता है, ठीक। तो इनमें ढेर सारे डिफरेंट डिफरेंट मार्कर पॉइंट्स होते हैं। हम देखो यहां पे बात कर ले, यहां पे एक पॉइंट्स मैं भूल गया, जिसको कहते हैं LEU। तो LEU2 जो होता है, क्या होता है, 2 होता है, ये एक सेलेक्टेबल मार्कर होता है जो स्पेशली ईस्ट सेल में मार्कर की भांति काम करता है, और ये सर्कुलर मार्कर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर मार्कर होता है। अब इतनी तो पॉइंट्स खत्म हो गई, ये किसका था? ये ईस्ट सेल्स के लिए था। किसके लिए?
इस सेल के लिए। अब बात करते हैं बैक्टीरिया सेल्स के लिए। बैक्टीरिया सेल्स में यहां पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वेक्टर्स जैसे टेंडेंसी दिखाई देंगे। क्या वेक्टर्स होगा, इष्ट वेक्टर्स हमने देख लिया। अब बात करते हैं किसकी, प्लाज्मिड वाले, प्लाज्मिड होगा तो किसका होगा, बैक्टीरियल होगा। तो बैक्टीरियल के लिए स्पेशली ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन मिलेगा। एंड ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन के लिए एकेरेसिया कोलाई का रेजिस्टेंस सीक्वेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एकेरेसिया कोलाई के जो हमारे रिस्टिकेशन एंडियोन्यूक्लियोज होते हैं वो सीक्वेंसिंग मिलेगी। एंड इनके अंदर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन मिलेगा जो प्लाज्मिड से डिराइव होगा। क्या होगा, प्लाज्मिड से डिराइव होगा। और दूसरे फॉर्म में ये देखा जाता है कि इनके अंदर एक छोटा सा मार्कर होता है। क्या होता है, छोटा सा मार्कर होता है, जिस मार्कर को हम क्या नाम देते हैं, इस मार्कर का छोटा सा नाम होता है जिसको हम बोलते हैं AMPR। AMPR मतलब यहाँ पे एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंस दिखाई देगा जो मार्कर के जैसे बिहेव करेगा, जैसे ये हमारा बिहेव करता था। और ये इतना खत्म होता है। अब बात करते हैं इसके यूजेज की, यूजेज कहां करता है। जब ये सेल डिवीजन कर रहा होता है, क्या होता है, जब ये सेल डिवीजन कर रहा होता है तो स्पेशली उस समय जो सेंट्रोमियर होता है, क्या होता है, सेंट्रोमियर का कार्य करता है। जब ये सेल डिवीजन करते हैं तो ये पूरी पूरी जो इनकी स्ट्रक्चर होती है, या कह सकते कि YCP50 होती है या YCP होता है, वो सेंट्रोमियर जैसा बिहेव करता है। जस्ट लाइक जैसे सेंट्रोमियर डिवाइड होता है वैसे ये भी डिवाइड होता है। ये काफी स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि हर एक सेल्स में केवल एक फोटोकॉपी तैयार करते हैं, सिंगल फोटोकॉपी। इसलिए इसकी क्लोनिंग काफी कम कराई जाती है, ये क्लोनिंग के लिए उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक चीज ध्यान देना, ये केवल इस सेल में क्लोनिंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि बैक्टीरियल सेल्स के लिए। बैक्टीरियल सेल्स के लिए नॉन इंपॉर्टेंट, एंड इस सेल के लिए काफी ज्यादा स्टेबल एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट नजर आते हैं। एंड बात करते हैं नंबर थर्ड में हमारे पास आता है इंटीग्रेटेड, क्या यहां से इंटीग्रेट या इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड वेक्टर। अब देखो मेरे पास तीसरे फिगर में यहाँ पे इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड वेक्टर्स की जब बात करते हैं तो हमारे पास एक छोटा सा फिगर दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं YIP5 जो है वो एग्जांपल है, जो 5.5 किलो बेस पेयर के साथ आता है। किसके साथ आता है, 5.5 किलो बेस पेयर के साथ आता है। ये भी हमारे पास एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड वेक्टर्स के रूप में काम करता है। कैसे करता है, बैक्टीरियल प्लाज्मिड वेक्टर के रूप में काम करता है। और स्पेशली इनके बॉडी के अंदर हमारे इष्ट जीन होते हैं। कैसे होते हैं, इनके बॉडी के अंदर हमारा जो इष्ट होता है, इष्ट के जीन लगे होते हैं, ठीक, इष्ट जीन होते हैं। जो इष्ट जीन को हम जब मिला देते हैं तो ये स्पेशली जो इष्ट जीन होता है वो एक हायर कंसंट्रेशन के साथ एक स्ट्रेन मार्कर का बिहेव करता है। क्या करता है, यहाँ पे एक स्ट्रेन मार्कर का बिहेव करेगा। अब जब स्ट्रेन मार्कर की तरह बिहेव करता है तो इनमें जो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन आ जाती है, क्या जाती है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन आ जाती है। ये इष्ट के जेनेटिक सिक्वेंस की वजह से आती है। क्या होती है, इष्ट के जेनेटिक सिक्वेंस की वजह से यहाँ पे एक छोटा सा मार्कर नजर आने लगता है। अब बात करते हैं टू टाइप्स, यहाँ टू टाइप्स के स्पेशली हमारे पास क्या मिलते हैं, रेजिस्टेंस मिलते हैं, जिनका नाम हम कह देते हैं, यहाँ पे एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंस दिखाई देगा, एंड दूसरा यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस दिखाई देगा। एंड दोनों रेजिस्टेंस, दोनों मार्कर के रूप में, दोनों सेलेक्टेबल मार्कर हैं, ठीक। ये दोनों मार्कर उचित कंडीशंस में इसको कहीं ना कहीं यूज में आते हैं। एंड तीसरा मेरे पास आता है, सबसे बेस्ट पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये वाला, ये एक ऐसा मार्कर है, मार्कर पॉइंट्स होता है जो किसी भी इस सेल में अपने आप को रिप्लिकेट कराने का काम करता है। ओके, इतना खत्म होता है छोटा सा मॉड्यूलिंग, आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये स्पेशली जो इष्ट सेल्स होते हैं या इस प्रकार के जो हमारे वेक्टर्स होते हैं उनका जो इष्ट सेल्स होते हैं, इष्ट सेल के अंदर जो जीनोम्स होते हैं उनको डालने के बाद हम उनको आरक्षित कर देते हैं, मतलब सुरक्षित कर देते हैं। सुरक्षित करने के बाद ये जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं आप इसको देख ही पा रहे होंगे, ये स्पेशली जो बैक्टीरिया होती है, क्या होती है, बैक्टीरिया होती है। बैक्टीरियल सेल्स के जो PBR 322 होता है, PBR 322 ही है, और इनमें PBR 322 के अंदर, ध्यान देना, ये जो पूरा सीक्वेंस दिया जा रहा है ये किसका है, ये PBR
पीबीआर 322 का ही सीक्वेंस पाया जा रहा है। बस इसके अंदर क्या जोड़ दिया गया है, इसके अंदर जो हमारा ईस्ट है, क्या है जो हमारा ईस्ट है, ईस्ट जीन के किसको जीन, कौन सा जीन, इसका ईस्ट का स्पेशली हमारे पास होता है शायद हाँ यू आर, हाँ यू आर ए, वहां पे यू आर ए थर्ड प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो या आर करके लिख सकते हो, क्या आर करके लिख सकते हो, यू आर, देखो किसका, यू आर ए प्लस, ये हमारा जीन्स होता है। इस जीन को जब मिला देते हैं तो यहाँ पे इंटर, क्या कहता है, इंटरगेटिव प्लाज्मिड वेक्टर तैयार हो जाएगा। कोई प्लाज्मिड वेक्टर होगा उसके अंदर हम इसको मिला रहे हैं। ओके क्लियर, पॉइंट्स खत्म। इस वाले टॉपिक को आप देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में पहले से अवेलेबल है। तो कैसा लगा क्लास, कमेंट करके बताइए। काफ़ी मेहनत करते हैं स्टूडेंट केवल आपके लिए, आप जितना ज़्यादा प्यार सपोर्ट देते हैं मेरा उतना मनोबल बढ़ेगा नेक्स्ट क्लास को उतना ज़्यादा आपके साथ एक्सप्रेस करने का, आपको बताने का एंड आपको सही तरीके से एक स्टडी करने के लिए। मैं आपसे केवल 4 साल बड़ा हूँ, 3 से 4 साल, मुश्किल से आप लास्ट ईयर में हैं मेरा एमएससी क्लियर, मतलब 3 साल बड़ा हूँ। 3 साल का जो एक्सपीरियंस है जूलॉजी की, बॉटनी की या फिर केमिस्ट्री की, ठीक, उसको आपके साथ बांटने में जो एक्सपीरियंस मिलता है, जो मज़ा आता है, वो आपके कमेंट पढ़ने के बाद दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो नीचे कमेंट करो और जोरदार शेयर करो, इसको सारे लोगों के पास पहुंच जाना चाहिए, आपके कॉलेज ग्रुप, कॉलेज फ्रेंड जितने भी हैं सबके पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लेके इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक जिसका नाम है सटल वैक्टर के पास बाद हम चलेंगे अगले टॉपिक में। हमारे पास अगला टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है। एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को जैसे ही हम बूस्ट करेंगे हमारा एक यूनिट जबरदस्त खत्म हो जाएगा अपने 20 लेक्चर क्लास के साथ। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।